शहर कराची में बटाई रेंजर्स 84 विंग के जेर एहतमाम एक फुटबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया, जिस टूर्नामेंट में कराची भर डिस्ट्रिक्ट मलीर की टीमों ने 16 टीमों ने हिस्सा लिया और उन तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया, लेकिन जीतने वाली टीम आज़म एफसी रही और इसके मद्दे मुकाबल बहुत सारी टीमें आईं, लेकिन बेहतरीन खेल पेश करते हुए इस टीम ने फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया और बिलाखर पलंटी किक्स पर यह टूर्नामेंट का फाइनल जीतने में कामयाब रही। इसके मद्दे मुकाबल थी बलोच मुजाहिद, जिसने बेहतरीन खेल पेश किया और बलोच मुजाहिद के खिलाफ पहला गोल करने में आज़म कामयाब हुई। इसको बराबर करने में बलोच मुजाहिद ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद बलोच मुजाहिद ने एक गोल की बर्तरी हासिल की। आखिरी लम्हात में लाला राउफ ने गोल करके बलोच मुजाहिद की बर्तरी को ख़त्म किया और मैच 2-2 गोल से बराबर रहा और आखिरकार स्टोक्स पर बेहतरीन गोल कीपिंग करते हुए शाहिद ने अपनी टीम को फाइनल में चैम्पियन बनाने का एजाज़ दिया। और ये टूर्नामेंट 84 विंग बटाई रेंजर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया और उन 16 टीमों से बेहतरीन खेल पेश करते हुए इस टीम ने फाइनल जीतने का एजाज़ हासिल किया और ये जिगरोड आज़म के लिए बेहतरीन कामयाबी थी जो 2019 में दिसंबर में उन्होंने हासिल किया। और इसी तरह टीम रेंजर्स और तमाम टीमों का और तमाम अदारे के लोगों का कहना है कि रेंजर्स इसी तरह पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए, स्पोर्ट्स के फरोग के लिए काम करती रहेगी और लोगों को और नौजवानों को इस तरह फरोग देती रहेगी। यही जीत है आज़म फुटबॉल एफ सी की।